हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जेल में बंद रिया चक्रवर्ती के लिए भी अब आवाज उठने लगी है। कांग्रेस का हाथ रिया के साथ, देखिए। ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हैं। कोर्ट ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए जेल भेज रखा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि रिया को राजनीति का शिकार बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को बिहार की लल्ला बना के वो वोट मांग रहे हैं, और ये वोट के लिए अभी किसी को जान पे अगर चोट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, इनका वोट आगे है। इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। ये सियासत की शिकार है रिया चक्रवर्ती, एक सियासत की शिकार है। अधीर रंजन चौधरी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव की वजह से रिया को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रिया मूल रूप से पश्चिम बंगाल की हैं, जहाँ के अधीर रंजन चौधरी हैं। जब रिया को कांग्रेस का साथ मिला तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ सुशांत के आरोपियों के साथ है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी सदन में कांग्रेस के लीडर है, और अधीर रंजन चौधरी का बयान मतलब कांग्रेस का बयान है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के आरोपियों के साथ खड़ी हो गई है। ये बात सही है कि सुशांत को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी ने भी सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की थी, और अब जब सीबीआई से होते हुए जांच एनसीबी तक पहुंची और रिया गिरफ्तार हुई तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। बिहार में आरजेडी की राजनीति इससे प्रभावित हो सकती है।